फिल्म पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है और जैसे कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे VFX के शॉट्स हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था VFX के साथ शूटिंग करना। बाकी फिल्मों में थोड़ी बहुत VFX होते हैं और वो आपको उतना बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन इस फिल्म में मेरे बहुत सारे सीन्स एम्प्टी स्पेसेस के साथ है कि मेरे सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और उसके साथ मुझे डायलॉग बोलना था। तो पहले दिन मैं थोड़ा आई वॉज थ्रोन और मैंने डायरेक्टर साहब को पूछा, बोला यार ये डायलॉग किसको बोलूँ, आने क्या वाला है। तो उन्होंने समझाया कि भाई यहाँ पे पूरा VFX, पूरा तुमने जो ब्रेन क्रिएट किया है वो ब्रेन यहाँ पे आएगा, डेटा बैंक जिसे कहते हैं, और ऐसे कई सीक्वेंसेस हैं। लेकिन आई थिंक बाय द टाइम द फिल्म गॉट ओवर आई वाज क्वाइट यूज्ड टू टॉकिंग टू नोबडी, और अब मैं तैयार हूँ अगर मुझे कोई फिल्म मिले जहाँ पे जानवरों के साथ बात करना पड़े और जानवर ना हो तो मैं बड़ी आसानी से बात कर लूंगा। फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है और जो मेरा किरदार है हरी सिंह का, ही इज द क्रिएटर ऑफ दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अक्सर होता है कि हमारे कोई प्रिय, हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले कोई अगर हमें छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है, और उनकी याद में हम तस्वीर लगा लेते हैं या वीडियो पे उनके पुराने वीडियोज देख लेते हैं फोन पे। इस ऐप के द्वारा आप एक्चुअली उस इंसान को रिक्रिएट कर सकते हैं और वो जिंदगी भर ताज़ा जिंदगी आपके बगल में रहेगा, उसी तरह उठते बैठते रहेंगे आपके साथ, उसी तरह बात करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। बस यही है कि आप उसे छू नहीं सकते क्योंकि वो है नहीं, तो एक अपैरिशन कह सकते हैं या एक छाया छवि कह सकते हैं, और इस ऐप को यूज करके वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही होगा इंसान जैसा पहले था। अब क्वेश्चन इज कि ये ऐप अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो आयरा जैसी फिल्म बनती है। कि हरी सिंह के साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हरी सिंह ने ये बना तो दिया लेकिन ये किसके हाथ में है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, और यही पिक्चर का निचोड़ है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जब फिल्म देखें तो आखिरी शॉट तक अपने सीट से ना उठें क्योंकि इस पिक्चर का निचोड़ आखिरी 5 मिनट में है। अब इतना बड़ा हिंट दे दिया तो आप लोग क्लाइमैक्स जरूर देखिएगा। ये क्लाइमैक्स के बारे में भी एक कहानी आपसे शेयर करता हूँ। जब मैं पहली बार शूटिंग करने सेट पे पहुंचा तो मैं सैम को उससे पहले एक ही बार मिला था, DOP वगैरह को पहली बार मिल रहा था। शूटिंग करते करते सडनली एक दिन जो मेरे डायरेक्टर हैं सैम मेरे पास आए, बोले मुझे एक बहुत अजीब सा आइडिया आया है, मैं शेयर करूं क्या? सर हाँ शेयर करिए। बोले मैं सोच रहा हूँ पिक्चर का एंड चेंज कर दूं। अच्छा, अक्सर एक्टर थोड़ा सा नाराज हो जाता है यार, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ बोल के हम लोग वहां तक जा रहे हैं तो जो पूरी जर्नी है किरदार की वो उस तरफ जा रही है, तुम क्या चेंज करना चाह रहे हो? तो उन्होंने मुझे वहीं बैठे बैठे लंच टाइम पे एंड क्लाइमैक्स जो उनके मन में आया था वो समझाया, और मैं एक्चुअली अचंभित रह गया। मैंने बोला ये चाहते हैं आप? बोले हाँ, मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हम लोग फिर वो क्लाइमैक्स लास्ट डे पे शूट किया और उन्होंने वो क्लाइमैक्स पूरा चेंज कर दिया। और मुझे लगता है कि जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको एक झटका लगेगा कि अरे पिक्चर ये थी। मैं एक बहुत बड़ा नाम लेने वाला हूँ, वैसी कोई फिल्म नहीं है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन जैसी फिल्में बनाते हैं उसमें एंड में ऐसा कुछ होता है जैसे आप बोलते हैं कि अच्छा अच्छा जो पिक्चर हम देख रहे थे, हम सोच रहे थे पिक्चर वो नहीं थी, पिक्चर तो ये है। तो उस किस्म का एक एंड है, और बाकी तो थ्रिल है, रोमांस है, ड्रामा है, करिश्मा कोटक है, तो बहुत सारी चीजें पिक्चर में देखने के लिए आप लोग जरूर चाहिए देखने के लिए। VFX भी है साथ साथ। चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो आप एज अ सेलिब्रिटी कैसे हैंडल करते हैं जब सोशल मीडिया ट्रोल की बात करें? AI अभी जो है डीप फेक के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी चीजें हुई थी, आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं? मैं बहुत ही अवेयरनेस को लेकर भी एक मैसेज दे दिए अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, आपने सही एक्चुअली सवाल एंड में पूछा, तो दो भाग में आपका जवाब दे देता हूँ। ये जो डीप फेक वगैरह है ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन AI को यूज करके जो स्कैम्स
कर सकती है कोई भी इंसान। मुझे किसी ने हाल ही में ट्रेलर ड्रॉप करने के बाद किसी ने मुझसे पूछा था कि डू यू थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज डेंजरस एज अ न्यूक्लियर बॉम्ब। मेरा ये मानना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से कहीं ज्यादा डेंजरस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जहां गिरता है हानि वहीं पे होती है या उसके आसपास कुछ चंद किलोमीटर में होती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो वो किसी गांव खेड़े में बैठ के एक कमरे में से पूरे दुनिया को हानि पहुंचा सकता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो कुछ भी नहीं है, ये डीप फेक वगैरह तो बहुत छोटी चीजें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब देखो हर चीज टेक्नोलॉजी का जहां तक ताल्लुक है अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, और हम लोग देख रहे हैं कि हाल ही में एक सुपरस्टार का चेहरा मॉर्फ करके वहां पे किसी और का डाल दिया था और एक अश्लील वीडियो आउट कर दिया था। ये छोटी छोटी चीजें, आगे चल के अगर ये वो चलता रहा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हानिकारक हो सकता है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। किसी ने चैट जीपीटी मेंशन किया था, वो भी एक नेसेंट स्टेज है, आगे चल के बहुत सारे ऐसे ऐप्स बनेंगे जहाँ पे इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि कल आप वर्चुअली ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस शूट कर लें, तो ये सारी चीजें हैं, आगे चल के पता चलेगा। हमेशा कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इंसान डर ही जाता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि एक इंसान ही इसको क्रिएट कर रहा है, एक इंसान ही इसको हैंडल कर सकता है, तो होपफुली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन रेस। आप ट्रोल्स को कैसे हैंडल करते हैं? मैंने कहा कि मैं बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल एक्टर हूं, मैं कभी ऐसी चीजें ना बोलता हूं ना मेरी जिंदगी में हुई है, बहुत बोरिंग हूं, तो मुझे किसी ने कभी ट्रोल किया नहीं है, और जब मुझे कोई ट्रोल करता भी है बिला वजह तो मैं उसे जाके जवाब देता हूँ। हाल ही में मैंने किसी इंस्टाग्राम मेरे दोस्त के इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक नॉर्मल सा कमेंट रखा था, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ उसे अश्लील भाव से पेश किया, तो मैंने उनको सीधा जाके बोला कि तुम्हारे दिमाग में गंध है, तुम शायद बचपन में सर पे गिर गए थे इसलिए तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, और इसका मतलब ये है ये नहीं है। तो काफी लोगों ने फिर अपोलोजाइज भी किया, ऐसे लोग भी होते हैं अगर आप इंटरेक्ट करके उन्हें बताए अपना पक्ष रखे तो वो लोग सॉरी भी बोल देते हैं। मुझे याद है एक ही बार बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग हुई थी, जब मैंने रजनीकांत जी का एक जोक डाला था 5-6 साल पहले जब कोविड आया था, तो मैंने कहा था कि रजनीकांत को कोविड नहीं होता है, कोविड को रजनीकांत होता है, क्योंकि हम रजनीकांत के बारे में लार्जर देन लाइफ चुटकुले बनाते हैं, तो किसी ने उसे गलत समझ लिया और उसका गलत मायने निकाल के फिर काफी ट्रोलिंग हुई। फिर मुझे समझाना पड़ा कि भाई ये तो मैं रजनी सर को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हें कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ऐसी छोटी मोटी बातें हैं, पर यूजली आई काइंड ऑफ एंगेज विद समबडी हु इज रिटन समथिंग रॉन्ग ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। अगर कोई कंट्री के बारे में या रिलीजियस कॉमेंट करता है उसे तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ, बिकॉज आई कांट टॉलरेट एनीबडी सेइंग एनीथिंग अबाउट माई कंट्री और टेक अप अ रिलीजियस डिबेट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको बात करनी है तो मेरे साथ आके बात करिए या डीएम करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि रिलीजियस कमेंट करो तो सडनली आप कुछ कहेंगे तो आप कुछ कहेंगे उसके बाद में आपकी टिप्पणी आएगी, तो ये एक आग बन जाती है। आई डोंट प्रिस्क्राइब टू दैट काइंड ऑफ कमेंट्स ऑन स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। आखिर में जो है आपका जन्मदिन भी है तो 5 तारीख को जो है एडवांस में हैप्पी बर्थडे, और थैंक यू, क्या क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को बर्थडे के दिन, क्या सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे आप? मुझे जन्मदिन मनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं एक एरीज हूँ, एरीज लोगों को जो है वो बच्चे होते हैं, तो मुझे जन्मदिन सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है कि सैम ने मुझे बहुत अच्छा जन्मदिन दिया है, जन्मदिन का गिफ्ट दिया है कि 4 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है और 4 तारीख की रात को मैं ब्रिंग इन माय बर्थडे विद आयरा, और यही चाहता हूँ कि आप लोग सब इस फिल्म के बारे में और बातें करें, लोगों से कहें ताकि लोग थिएटर में आके देखें। मैं चाहता हूँ कि लोग पिक्चर देखें, सिंपल सी बात है, एक अरसे के बाद ऐसी फिल्म मैं कर रहा हूँ, एक सेंट्रल लीड करना अपने आप में एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। काबिल और मुंबई सागा के बाद ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जहाँ पे पूरा जो बोझ जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर मेरे सर पे है या मेरे कंधों पे है। मुझे बहुत मजा आया ये फिल्म बनाकर, और मुझे लगता है कि जब आप लोग देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा। फिल्म का जो कंटेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डार्क है लेकिन ह्यूमरस भी है, रोमांस भी है, ड्रामा भी है, तो आई थिंक सबको मजा आएगा। और आप लोगों का गिफ्ट मेरे लिए तो मैं कह चुका हूँ कि आप लोग जाके थिएटर में देखें और अपने दोस्तों से भाई बंद रिश्तेदारों से कहें कि देवी और सज्जनों पिक्चर जाके देखिए। चलिए, तो यार अनफॉर्चुनेटली मैं होली मनाता नहीं हूँ, मैं पहले होली सिर्फ अम्मी जी के घर मनाता था और जब से वहाँ की होली बंद हुई है तो मैं ज्यादातर होली बैशेज में जाता नहीं हूँ, लेकिन इस साल हर साल की तरह
एक टोकन होली जहां हम हमेशा जाते हैं वो शबाना और जावेद साहब के वहां जाएंगे और वो एक फैमिली एटमोसफियर है और वहां पे जाके बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं वो हमेशा वहीं पे मिलते हैं। पर हम लोग वो हु हा धूमधाम वाली होली मनाना बहुत सालों पहले बंद कर दिया था, तो बस जावेद साहब के वहां जाएंगे, शबाना जी को तिलक लगाएंगे और होली मनाएंगे और आप सबको होली की शुभकामनाएं। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। जी जी, इंडस्ट्री को फायदा ज्यादा होगा किसका? एआई टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री को तो फायदा ही होगा क्योंकि इसका इस्तेमाल अगर सही हाथों में, जैसे प्रणव जी ने हमारे VFX किया है, अगर किसी सही इंसान के हाथ में आ गया तो आप स्क्रिप्टें लिख सकते हैं, आप दिमाग में आइडिया सोचते हैं। मैंने भी हाल ही में ChatGPT यूज किया था तो मैंने जो थॉट था मेरे माइंड में, 5 राइटर को बुला के वो थॉट आपको पेपर पे डालना पड़ता है, लेकिन आप ChatGPT को कहोगे बॉय मीट्स गर्ल, दे गो ऑन अ बाइक राइड, एक्सीडेंट होता है, विलेन आता है, ये होता है, इसकी कहानी बना के बताओ, तो आपको 30 सेकंड में एक सिनॉप्सिस मिल जाता है। तो आपको फिर वो सब करने की जरूरत है, उसके ऊपर फिर आप काम कर सकते हैं। तो आई थिंक AI से बहुत फायदा हो सकता है, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को नहीं लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज को। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कितना फायदा कितना नुकसान होता है। क्योंकि ये पिक्चर जो है आयरा, ये लंदन में शूट हुई थी एंड मैं लंदन से हूँ तो इट्स नाइस टू शूट एट होम, क्योंकि माई मॉम एंड ब्रदर नेवर सी माई वर्क बिकॉज आई एम ऑलवेज इन इंडिया, सो इट्स nice that my family could be there. मैंने लंदन में, मैंने घर से 15 मिनट दूर था लोकेशन, so that was very nice. So it's always good to shoot in London. And जैसे कि रोहित जी ने बताया, it's a very interesting concept of artificial intelligence. And I think everybody's gonna like it. And tell us about your character. I can't tell you too much about her. Because I'll reveal too much. I also think I need to watch the movie as well to remember everything. But it's quite interesting. Oh God, that's a good question. I think I think people trolling is awful. I think it's really mean. काफी चीजें जो लोग लिखते हैं, you know, it's not nice. But I just delete. It, I ignore it, and what else can you do? Also, film is releasing on 4th of March. What message you would like to convey to us? So, no trolling. Everybody has to be nice to everyone. I think social media, artificial intelligence, all of these things are good if it's used in a healthy way and a constructive way. So, I hope everyone likes the movie and no trolling. And tell us about your preparation for your party. Actually, she's quite similar to me, because. वो लड़की भी लंदन से है तो शी ऑल्सो हैज एन एक्सेंट, सो ऑल ऑफ दैट वर्क्ड, बट आई वर्क्ड अ लॉट विद सैम एंड रोहित एंड टुगेदर वी मेड इट हैपन। हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद रोहित एंड या फन? इट वाज रियली रियली फन वर्किंग विद एवरीबॉडी। जैसे कि मैंने कहा, नॉट ओनली इज इट एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इट्स नाइस टू शूट इन लंदन, इट वाज नाइस फॉर मी टू शूट देयर, सो ओवरऑल इट वाज गुड। Thank you, guys. Yes. Yeah. Yeah. I think exactly. It's a really good question. The fact is that there haven't been many movies in India about artificial intelligence. Artificial intelligence kya hai? You know, logo ko pata hi nahi hai. So I think this is a really interesting concept. And obviously, Sam is ahead of his time. He's sort of a very good story. And you know, when the person tells you the story and when you're listening to it and when you're acting, it's two different things, but this wasn't that. It was very, very to the script. Thank you so much. Thank you, guys. Sure, definitely. First of all, तो आयरा एक बहुत हटके फिल्म है, बहुत अलग फिल्म है, बहुत आयरा एक बहुत अलग फिल्म है, बहुत हटके फिल्म है। जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो नॉर्मल रोमांटिक फिल्म या नॉर्मल स्टोरीज के ऊपर नहीं है, तो ये जब आप थिएटर जाके देखोगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैनिपुलेट किया जाता है या कुछ प्रोडक्टिव चीजों के लिए यूज किया जाता है ये टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल इज द टॉक दैट्स हैपनिंग, सो उसके ऊपर बेस्ड ये नॉलेज एनहांसर है
जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉलेज दिया गया है इसके बारे में, तो आप देखोगे तो इन डेप्थ किया गया है, इसीलिए इसमें इतना सारा थ्रिलर और मर्डर डार्क साइड दिखाया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है लोगों को ऐसा लगता है कि अरे फिर तो बहुत ईजी हो गया है, फोन खोलो, ऐप खोलो, डाउनलोड कर लो, सब कुछ ईजी हो जाता है, लेकिन आप चाहे कोई भी ऐप्स ले लो, अभी बैंकिंग ऐप हो गया, कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं, वो अवेयरनेस सब लोगों को होता नहीं है, तो ये अवेयरनेस इसमें दिखा गया है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर है इमरुल खान जो मैं प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये सारे कैरेक्टर्स मिलके इस ऐप को, इस सॉफ्टवेयर को एक नया नया चेहरा देते हैं इस ऐप को, लेकिन वहां से कैसे सडनली सब कुछ कोलैप्स होके सारी चीजें नेगेटिव इसमें चली जाती हैं, वो इसमें ब्यूटीफुली दिखाया गया है, तो प्लीज देखें। एज एन एक्टर, ये एक्चुअली मेरी पहली हिंदी फिल्म है, सो हाई टू एवरीबॉडी एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि ये फिल्म बहुत अलग है, तो इसमें जिस तरीके से शूट किया गया है वो भी बहुत अलग है। ये नॉर्मल जैसे हर सीन आप किसी को एक्टर के साथ खड़े होके डायलॉग्स बोल के इंटरेक्ट करते हो वैसा वाला नहीं था, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन थी, वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स और फेस टाइम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कई की गई हैं, जिसमें डायलॉग्स तो दी जाती हैं आपको, सैम जी ने काफ़ी सारे डायलॉग्स दी थी, तो मैंने सोचा कि मेरे कोएक्टर्स के साथ फेस टू फेस होगा, लेकिन जैसे रोहित जी ने बताया फेस टू फेस बिल्कुल नहीं था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो डायलॉग्स थी जो आपको सिर्फ हवा में ऐसे बोलनी पड़ी, ग्रीन स्क्रीन था, तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इनिशियली थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में, लेकिन सैम एज अ डायरेक्टर बहुत बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम कैमरा ऑन है और हम शूट कर रहे हैं, तो इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। बोलिए क्या 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 काफी दिनों बाद इस रिकॉर्डिंग के लिए मिलते हो, आयरा का आइडिया बहुत दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा था, इस नॉट ए मींस हम तो इसके साथ जी रहे लास्ट तीन साल से, दो तीन साल से इस पे वीएफएक्स का काम चला हुआ एंड एवरीथिंग, दिस वाज अ ड्रीम कम ट्रू बेसिकली। जब मैं फाइनल कॉपी आई सॉ इट ऑन सैटरडे, बिकॉज एवरीडे इस पे करेक्शंस आता है, एवरीडे कुछ ना कुछ चेंज होता है, बिकॉज जब आपका फिल्म टोटली ड्रामा ना हो एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट प्रोडक्शन, इट टेक्स टाइम, बट द आइडिया ऑल स्टार्टेड, आपको मैंने जो बोला था आइडिया स्टार्टेड विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एआई, जब कोविड में आपका बहुत हलचल मच गया था कि यू नो पीपल आर टॉकिंग ऑन जूम कॉल्स, पीपल कांट सी ईच अदर, पीपल ऑफिस में जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंड ऑल द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इज डन थ्रू योर जूम कॉल्स एंड एवरीथिंग, सो हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं और इसका क्या रिपरकशन है आदमी को समझाते हैं, सो ऑब्वियसली दैट वॉज द आइडिया हाउ इट वॉज सेट, एंड नाउ मीन्स इट इज द राइट टाइम, एंड जो बढ़ गया है जो अभी जो सिचुएशन है इट इज क्वाइट राइट टू द टाइम फॉर रिलीज। रोहित जी इज अ बेस्ट फिट इन द कैरेक्टर, जब आप देखोगे वो आपको समझ में आएगा, बिकॉज इस पे जो है मैं ज्यादा इसका प्लॉट मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ, मतलब मैंने तो इस पे सोशल मीडिया में बहुत जगह पे देखा है कि आपका 2.5 मिनट का ट्रेलर में इन्होंने पूरा स्टोरी बता दिया, सो आप सोचो ट्रेलर में आपको इतना स्टोरी समझ में आता है तो 2.5 घंटे में फिल्म में क्या क्या दिखाई देगा, तो वो समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स वेर वेरी वेरी स्पेसिफिक, हमने किसी को भी चूज किया है हमने बहुत कुछ सोच के चूज किया है, एंड कॉम्पेटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग और बिलीविंग अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस इट्स नॉट ईजी, मैं किसी को भी जाके कोई भी एक्टर को बोलूंगा कि मेरे को ये करना है सब ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आज के दिन में आपका हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स दे आर वेरी स्पेसिफिक, क्या उनको क्या दिख रहा है, बिकॉज इसमें रियलिटी बहुत कम है, वर्चुअलिटी ज्यादा है, सो जब हम पिच कर रहे थे उनको समझ में आया
आया कि कॉन्सेप्ट हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली ही इज द राइट चॉइस. AI will never replace humanity. I don't trust that statement, but I definitely believe that actually it can make your life better if it is utilized in a proper way. But हमारे industry में तो film making में तो definitely कभी आपका है ना आदमी का replacement कभी computer कर नहीं सकता. आप computer को आपका slave बना सकते हो. If you are doing the right things with your computer, it can let you be more productive. That's the whole idea of AI. जैसे रोहित सर ने बताया कि अगर गलत आदमी के हाथ में AI पड़ गया, ऑफ कोर्स इस्तेमाल तो गलत हो ही रहा है. इस्तेमाल आज गलत नहीं, आज के दिन में नहीं हो रहा है. आज यू नो इट इज द स्टार्टिंग ऑफ, जिस दिन से ऐप वगैरह बनना चालू हुआ है उसके पीछे क्या मोटिव है किसी को कोई पता नहीं. आप जब फ्री ऐप डाउनलोड करते हो आपके सिस्टम में, आप नहीं देखते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो ना रोज. मीन्स आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट व्हाट्सएप एज थिंग. यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग एंड वेयर यू आर सेंडिंग द मैसेज. कहाँ पे किस डेटा सर्वर में जा रहा है, कहाँ पे से आपका मैसेज मेरे को आ रहा है, यू डोंट नो. इट मे बी समवेयर इन बिटवीन, अफगानिस्तान में जा रहा है ना चाइना में जा रहा है, यू डोंट नो. सो टेक्निकली इट इज अ वेरी ग्रे एरिया. हाँ, सो इट्स अ ग्रे एरिया विच वी नीड टू इन्वेस्टिगेट. और जितना हम लोग जितना स्मार्ट होंगे, जितना और दो साल तीन साल बाद हम लोग ने जब फिल्म चालू किया था तो वी वेर लर्निंग हाउ टू, बिकॉज वी न्यू द रिपरकशंस एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बट टुडे वी नो दैट व्हाट इज चैट जीपीटी, व्हाट इज फेक इमेज. और दो तीन साल पहले अपने को पता नहीं था, बिकॉज दिस वॉज ओनली कमिंग अप एंड दैट टाइम वी हैड मेड अप द इंफ्रास्ट्रक्चर. किसी का रूल्स वायलेट नहीं करके, किसी का लोगो नहीं दिखा के, वी हैव मेड दोस होल इंफ्रास्ट्रक्चर, होल UIs and everything. It's very simple. The guys, go and watch the movie in cinemas. I think the whole idea was to make a movie where we are expecting social gathering. आज के दिन में हमको सबसे बड़ा problem ये है कि because I come from a generation जब cinema देखना हम खुश होके देखते थे. We used to take a you know bucket of popcorn, go and watch it with family and with friends and everything. We would like to ask people to do that, because if you go and enjoy it in a cinema, it's a cinema experience. We have made the film, we have given a Dolby sound, we have done everything which is required for a cinema. So go and watch it in a cinema. Mobile phone mein dekhe kya maja aayega. So wahi request rahega ki people if they can go and watch it, they will understand more, because hai thoda sa critical film. Samajhne ke liye you have to sit here, man, and because it will keep you gripped, very gripped, well gripped. Yes. Thank you.